पर बिहार के मुस्लिम छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। डीएम बालिका हाई स्कूल की छात्रा नेहा परवीन ने 483 अंक लाकर मैट्रिक की परीक्षा में संयुक्त रूप से फोर्थ टॉपर बनी है। नेहा इन सब का श्रेय अपने गुरुजनों और परिवार को देती है। नेहा परवीन जिले के गोगरी थाना क्षेत्र के शेरगढ़ गांव की रहने वाली हैं। पिता शेख खलील पेशे से दर्जी हैं। चार भाई बहनों में नेहा परवीन दूसरी बेटी हैं। नेहा की सफलता का श्रेय अपने परिवार के लोगों और गुरुजनों को देती हैं। लेकिन पिता ने अपनी खुशी ऐसे जाहिर की। तो बच्चों की पहले गुरु उनके माता पिता ही होते हैं, फिर उनके बाद हमें जो है ना अपने दादू से भी बहुत ज्यादा सीखने को मिला। फिर उसके बाद हमारी सब पहली शिक्षा यहाँ के सरकारी स्कूल मध्य विद्यालय शेर में हुई। वहाँ के हरदेव सर हैं जो साइंस के टीचर हैं, संजीत सर है जो मैथ के टीचर हैं, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया वहाँ पढ़ने में। फिर उसके बाद जब हम 10th में गए तो श्री तेजनाथ मिश्र बालिका इंटर विद्यालय सिरनिया में मेरा नामांकन हुआ। वहाँ से हमने 9th में 2021 में नामांकन लिया। फिर वहाँ पे हमने पढ़ाई की, जिसमें मेरे सर ने भी मेरी मदद की, स्कूल वाले टीचर ने भी। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने, मेरे अंकल ने, मेरे भाई ने बहुत ज्यादा सहयोग किया। इसी का ये राज है कि मैं यहाँ तक अभी इस बड़ी सफलता में। इस चीज से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि हमारा बच्चा जो है बिहार में चौथा स्थान लाए हैं। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और इससे हम और आगे जो है अच्छा पढ़ाई के लिए इसके लिए सोचेंगे। नेहा बड़ी होकर IAS अफसर बनना चाहती हैं। वो खूब पढ़ना चाहती हैं। नेहा का कहना है कि वो बड़ी होकर समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो हमेशा से नेहा मेधावी छात्रा थी। जो होमवर्क स्कूल में मिलता था उसे पूरा कर समय से लाती थी। बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा का फल जारी हो गया है। 37 दिनों में जारी हुए इस रिजल्ट से बिहार बोर्ड भी अपनी पीठ थपथपा रहा है। उसने टॉपर के लिए कई सारे प्रोत्साहन उपायों की घोषणा भी की है।